देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवानों के शहादत के बाद देश भर में शुक्रवार को आक्रोश और गुस्सा दिखा। जम्मू से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार से बदला लेने की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश के जवानों की जान लेने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एक साथ है, आतंक की इस लड़ाई में हम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। 3 दिन, 45 घंटे और 37 लोकसभा सीटें, कार्यकर्ताओं से फीडबैक में हर कोई यही कहता है, दीदी हम गठबंधन ना करें तो बेहतर होगा। सपा संघ विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया तो 7 पर सिमट गए, इस बार सावधानी बरतनी होगी। कार्यकर्ताओं के कुछ ऐसे ही जवाब और सवालों के लंबे दौर के बाद प्रियंका गांधी गुरुवार की तय बैठकें शुक्रवार सुबह 4:30 बजे तक निपटाने के बाद नई दिल्ली वापस लौट गयी। अपने पहले दिन के सफर पर वंदे भारत एक्सप्रेस 9:50 पर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। वाराणसी जंक्शन पर इस ट्रेन के स्वागत के लिए स्टेशन पर हजारों लोग उमड़ पड़े। हालांकि ट्रेन को 8:00 के आसपास वाराणसी पहुंचना था, पर कानपुर और इलाहाबाद में ट्रेन के स्वागत के आयोजित कार्यक्रमों के कारण सफर में थोड़ा विलम्ब हुआ। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फंसे शहरों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। प्रदूषण के कारण गंगा के पास मैदानी क्षेत्रों का हाल सर्दियों में दिल्ली से भी बुरा होता जा रहा है। एक नए अध्ययन के अनुसार पटना, कानपुर और वाराणसी में प्रदूषण की मात्रा सबसे ज्यादा पाई गई। दूसरी तरफ मध्य भारत के शहरों में भी प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन वह उत्तर की तुलना में अभी भी कम है। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए सब्सक्राइब करें ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।